हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2018 और आरआरसी लेवल वन पोस्ट 2019 की रिक्रूटमेंट के लिए जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया था दोस्तों, वो 10th पास रखा गया था। इसके साथ आईटीआई कंपलसरी नहीं था, ना ही कोई नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी था। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक लेटेस्ट बदलाव हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, जिसे मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि क्या बदलाव किया गया, और साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन को भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहूँगा कि आज ही की डेट में यहाँ पर 30 जून को आप किसी भी हिंदी अखबार में आप देखेंगे कि एक आर्टिकल, एक ऐड जारी किया गया है भारतीय रेल, भारत सरकार, भारतीय रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के द्वारा लेवल वन में रेलवे में नौकरी के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों, इसमें बोला क्या गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में जारी की गई रोजगार सूचना संख्या सीएन नंबर 02/2018 और आरआरसी सीएन नंबर 01/2019 में भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई एक बार छूट केवल 19 भर्ती अभियानों के लिए विशेष छूट थी, और जिसे अब वापिस ले लिया गया है। अब रेलवे के तकनीकी विभागों अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विंग में वेतन मैट्रिक्स लेवल वन में 15 जून 2019 के बाद अधिसूचित की जाने वाली सभी भावी भर्तियों में के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण प्लस दोस्तों राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया नेशनल अप्रेंटिस प्रमाण पत्र यानी NAC या फिर 10वीं उत्तीर्ण प्लस ITI होगी। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तक जो दोनों आपकी जो रिक्रूटमेंट थी, RRB ग्रुप जी 2018 और RRC 2019, इसमें सिर्फ विशेष छूट थी, इसी में 10th पास को अलाउ किया गया था, जिसमें ITI कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब आगामी 15 जून के बाद जो भी अब रिक्रूटमेंट आएगी, तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट इसमें ITI में अपियर होंगे या जो भी लोग ऐसे होंगे जो फ्यूचर में सोच रहे होंगे, तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ITI के साथ 10th पास के साथ ITI कंपलसरी हो गया है। इसमें बोला भी गया कि सभी इच्छुक उम्मीदवार कृपया प्रूफ को नोट करें और तदनुसार तैयारी करें। तो जी हाँ दोस्तों, आपको उसमें नहीं रहना है कि 10th पास पे ही मैं भर सकता हूँ इसलिए तैयारी करूँ, अब इसके लिए आपको ITI जरूरी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये बताना था जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।